गुड मॉर्निंग क्लास क्लास वन नाउ इट्स टाइम टू मैथ्स स्टडी सो ओपन योर मैथ्स बुक कम टू द बुक पेज नंबर 75 एंड हेयर क्वेश्चन नंबर बी फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग हेयर स्टूडेंट्स 7, 8 एंड 2, 5 नाउ यू विल एट द 78 एंड 25 8 इज वंस प्लेस एंड 5 ऑल्सो वंस प्लेस सो यू विल काउंट द 8 एंड 5 स्टूडेंट्स हेयर इज 8 नाउ यू विल एड इन 5 8 में आप 5 काउंट कर दीजिए 8 के आगे से 5 काउंट कर दीजिए 9, 10, 11, 12, 13 सो हेयर इज 13 सो यू विल राइट ओनली 3 स्टूडेंट्स हेयर 13 में 1, 3, 13 लिखते हैं तो आपने यहाँ पर कितना लिखा है 3 एंड ये जो आपका 1 है 13 का यहाँ आप 7 के साथ कैरी को पुट कर दीजिए 7 एंड 1, 8 में आप 2 प्लस कर दीजिए आगे कि 9 एंड 10 सो हेयर यू विल राइट 10 सो लाइक दिस यू विल सॉल्व इट हेयर स्टूडेंट 6 एंड 6 में 6 ऐड कीजिए हेयर इज 6 आप 6 और ऐड कीजिए 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 हम कैसे लिखते हैं 1, 2, 12 बट हम यहाँ लिखेंगे ओनली 2 यहाँ हम पुट करेंगे कैरी 1, 4 के साथ अब आप 4 में पहले 1 ऐड कीजिए 4 में 1 ऐड करेंगे हम 5, 5 में 3 ऐड कीजिए 6, 7, 8 सो स्टूडेंट्स हेयर यू विल राइट 8 हेयर इज 9 एंड 8 9 में 8 को ऐड कीजिए 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 सो यू विल राइट हेयर ओनली 7 एंड पुट द कैरी 1 हेयर 3 एंड 1, 3 में 1 ऐड करते हैं तो 4, 4 में अब आप 5 ऐड कर दीजिए तो 5, 6, 7, 8, 9 सो हेयर यू विल राइट 9 सो लाइक दिस स्टूडेंट्स यू विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर डी फिल इन द ब्लैंक्स विद कीवर्ड्स टू कंप्लीट द स्टेटमेंट हेयर स्टूडेंट देयर आर 3 फ्लावर इन द फर्स्ट वास इस वाले फर्स्ट वास में कितने फ्लावर हैं 3, 1, 2, 3 एंड 4 फ्लावर इन सेकेंड वाले में कितने हैं 4 तो नंबर ऑफ डैश इन डैश इक्वल्स टू 3 सो नंबर ऑफ फ्लावर्स इन फर्स्ट वास में कितने हैं 3 फर्स्ट वास में कितने हैं 3 फ्लावर्स एंड नंबर ऑफ फ्लावर्स इन सेकेंड वास इक्वल्स टू 7 तो द टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स इक्वल्स टू 7 3 एंड 4 कितने होते हैं 3 और 4 को ऐड कर लीजिए स्टूडेंट आप हेयर इज 1, 2, 3 एंड हेयर इज 4 1, 2, 3, 4 नाउ यू विल काउंट ऑल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सो इट्स योर 7 आंसर क्वेश्चन नंबर 2 अंजलि हैज 2 बुक्स अंजलि के पास 2 बुक्स हैं लाइक दिस अंजलि के पास 2 बुक्स हैं एंड हर मदर गेव हर 4 बुक्स मोर उसकी मदर ने उसको 4 बुक्स और दे दी 1, 2, 3, 4 नाउ हाउ मैनी बुक्स डज अंजलि हैव अब अंजलि के पास कितनी बुक हैं नंबर ऑफ बुक्स यहाँ लिखेंगे आप स्टूडेंट बुक्स नंबर ऑफ बुक्स विद अंजलि अंजलि के पास कितनी बुक्स हैं 2 एंड नंबर ऑफ बुक्स हर मदर बाकी की बुक उसको किसने दी थी उसकी मदर ने हर मदर गेव इक्वल्स टू 4 नाउ टोटल नंबर ऑफ बुक्स अब टोटल बुक्स कितनी हो गई अंजलि के पास 2 बुक्स उसके पास थी 4 बुक्स उसकी मदर ने उसको दी है तो हेयर इज 6 स्टूडेंट्स तो अंजलि के पास अब कितनी बुक्स हैं 6 क्वेश्चन नंबर ई सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स अ फ्रूट सेलर सोल्ड 16 डजन बनानास इन द मॉर्निंग एक फ्रूट सेलर है स्टूडेंट्स उसने मॉर्निंग में 60 डजन बनाना सेल किए इट मीन्स बेचे हैं 18 डजन इन द इवनिंग 18 डजन बेचे हैं उसने शाम को तो हाउ मैनी डजन बनानास डिड ही सेल उसने पूरे दिन में यानी कि सुबह और शाम में टोटल कितने बनानास बेचे हैं नंबर ऑफ डजन ऑफ बनानास बनाना बेच रहा है ना वो बनाना सोल्ड इन द मॉर्निंग पहले उसने मॉर्निंग में कितना बेचा है स्टूडेंट्स 16 डजन बनाना एंड नंबर ऑफ बनानास अब वो बनानास कब बेचेगा इवनिंग में इन द इवनिंग सो स्टूडेंट्स हेयर लाइट इवनिंग में उसने कितने बेचे हैं 18 अब आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए यहाँ है 6 यहाँ है 8 8 एंड 6, 14 तो आप बस 4 लिखेंगे 1 आप यहाँ कैरी करेंगे 1, 2 एंड 3 सो स्टूडेंट्स टोटल बनानास उसने कितने बेचे 34 डजन्स क्वेश्चन नंबर 2 बंटी टुक 15 बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी बंटी ने लाइब्रेरी से 15 बुक्स ली हैं
एंड 9 बुक्स फ्रॉम हिज सिस्टर. 9 बुक्स अपनी सिस्टर से ली. हाउ मैनी बुक्स डज बंटी हैव नाउ. नंबर ऑफ बुक्स टुक फ्रॉम लाइब्रेरी. कितनी बुक्स ली उसने लाइब्रेरी से? 15. एंड नंबर ऑफ बुक्स टुक फ्रॉम हिज सिस्टर. उसने अपनी सिस्टर से कितनी बुक्स ली है? 9. नाउ यू विल एड ऑल 5 एंड 9 स्टूडेंट्स. हेयर इज 14. सो यू विल राइट 4 हेयर एंड पुट द कैरी 1. 1 एंड 1 2. सो टोटल नंबर ऑफ बुक्स Bunty has now 24. So total number of books Bunty has now 24. Question number 3. Sarvesh donated 26 blanket first day. Sarvesh ने 26 कंबल पहले दिन बांटे यानी कि donate किए and 45 blanket next day. अगले दिन 45 blankets to the poor गरीबों को. So how many blankets did Sarvesh donate in 2 days? दोनों दिन Sarvesh ने total कितने blankets डोनेट किए? नंबर ऑफ ब्लैंकेट डोनेट फर्स्ट डे. फर्स्ट डे उसने कितने ब्लैंकेट दिए थे? 26. एंड सेकंड डे उसने कितने ब्लैंकेट दिए हैं? इन सेकंड डे 45. Now you will add 5 and 6, 11. So you will write 1 here and put the carry 1. 2 and 1, 3. 3 and 4 students, 7. Vishal studies 23 hours in the first week and 28 hours in second week. Vishal first week में 23 घंटे यानी कि 23 hours 23 घंटे पढ़ा है और second week में अगले हफ्ते वो 28 घंटे पढ़ा है. How many hours does Vishal study in 2 days? Total 2 weeks में उसने कितनी studies करी है? Number of hours Vishal studies in first week. First week and number of hours Vishal studies in second week. फर्स्ट वीक करिए उसने 23 एंड सेकंड वीक करिए उसने 28 आवर्स स्टडी. नाउ यू विल ऐड ऑल 8 एंड 3, 11 स्टूडेंट्स. सो यू विल राइट हेयर 1 ओनली एंड पुट द कैरी 1 अपॉन द 2. नाउ यू विल ऐड ऑल 2 एंड 2, 4 एंड 1, 5. सो द टोटल नंबर ऑफ आवर्स विशाल स्टडीज इक्वल्स टू 51 आवर्स.